अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो बनाना हुआ है और टाइम की शॉर्टेज की वजह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट चले थे ना, जैसे वीडियो हमने बनाई थी रमज़ानों में। क्या था टॉपिक कि किन लोगों के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए, किन के साथ हमें किस लोगों के साथ हमें रहना चाहिए ना, बहुत सारे टॉपिक्स हमने निकाले थे और क्लासेस हमारी रह गई थी ना। और कोलैब का भी मैंने लोगों को तकरीबन बता चुका था कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं। अच्छा, आज का जो मेन पर्पस है वो बिजनेस के ऊपर है हमारा ना। बिजनेस जो है लोगों ने बहुत मुश्किल कर दिया ना आजकल की, जैसे महंगाई है और ये कह रहे हैं कि इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। इवन के जो गाइडलाइन बैठे हैं वो भी कहते हैं कि आप पे करोगे, हमें प्रॉफिट दोगे तो देन हम इसके ऊपर काम करेंगे ना। तो सबसे पहले वो लो प्राइस में जो इंसान बिजनेस करना चाह रहा है वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि करना क्या है, ठीक है। बजट तौर पे अपने निकालता है ना, ठीक है। जैसे अभी मेरा फोटोग्राफी का है, मेरा माइंड है, कभी मेरे पास उस एक वक्त ऐसा भी था कि कैमरा नहीं थे, हम रेंट पे लेते थे, काम करते थे, ठीक है। फिर उसका रेंट पे किया, क्लाइंट हमें पेमेंट करे नहीं करे, बहुत सारे मसले होते थे। फिर हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। अब यूट्यूब चैनल क्रिएट करना यानी कि ऐसा कह लो कि एक कंपनी में आप स्वीपर हो, स्वीपर इस तरह से हो कि आपको सफाई भी उसकी करनी है, ठीक है ना, प्रेजेंट भी उसको करना है किस तरह ऑफिस रहेगा और मीटिंग के लिए भी लोगों को बुलाना है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट मेहनत बहुत है ना। जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब आसान है, बस चैनल बनाओ और चलाओ, तो भाई आसान नहीं है। उसमें वीडियो एडिट होती है, वीडियोग्राफी होती है, सिनेमेटोग्राफी होती है, कॉन्टेंट क्रिएट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बहुत सारी बात होती है। और अभी जो हमारा जो मेन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है और दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि क्लाइंट हमारा देखिए पॉडकास्ट है, जैसे लियाकतबाद में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, और लियाकतबाद में बैठ के पॉडकास्ट करने का मतलब ये मतलब हाँ तकरीबन जैसे डूब लाइफ से उसने अभी कहा कि भाई लालू के जैसा होता है, तो भाई ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारे जो ब्लॉग है सारे लालू के ऊपर, लियाकतबाद हमारा जो है ना उसको किसी ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। जिन्हें जो भाई जैसे हमारे वो काफ़ी चीज़ों को ब्लॉगिंग करते हैं, उसकी प्रेजेंट करते हैं। अभी भी हमारा माइंड है फूड स्ट्रीट पे ब्लॉग करने का है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि लोग उन शॉप्स को उन चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करते हैं जो जैसे गली महल्ले में, उसके पास सारे ब्लॉगर्स आते हैं जो पहले से ऑलरेडी फेमस होता है ना। ये ब्लॉगरों को सोचना चाहिए ना, ये चंद सब्सक्राइबर के ऊपर वो इतना मतलब क्लाइंट से हाई पे की कर रहे होते हैं और क्या नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं है, मानते मेहनत है यार, लेकिन एक जो आपका मेन पर्पस होता है ना उससे लोगों को क्लियर करें आप कि यार हम इस तरह की पे होती है पर मिनट के हिसाब से क्या है। प्रोडक्ट शूट में क्या होता है कि क्लाइंट को पता नहीं है, प्रोडक्ट लिया अपना और काम करना शुरू कर दिया कि फोटोग्राफर को उन्होंने ये समझते हैं कि बस यही सारी चीज़ें करेंगे, तो काम के पहले तरीके को समझें कि किस तरह काम किया जाता है, क्या होता है काम का पर्पस। आप जैसे हमें काफ़ी लोगों की नीड है, मुझे ना वेब सीरीज है, डॉक्यूमेंट्री शूट है, सही है। मीडिया साइंस वाले खुसूसन इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करें कि डॉक्यूमेंट्री जो उनको मिलती है उनकी यूनिवर्सिटी के तरफ से प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर वो काम करना चाहें तो आए बैठे डिस्कस करें, मीटिंग करें, मेरे ऑफिस आए, आपको तकरीबन सारी डिटेल मिलेगी। और बाकी जो नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर आपको तमाम डिटेल्स के ऊपर मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हाफिज़।